नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता है। इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, तभी पता चलेगा कि किस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट लिया जाता है। तो शुरू करते हैं किस तरह से मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले आपको जब भी मेजरमेंट लेना है तो वो है बैक साइड से स्टार्ट करना है। शुरुआत जो आपको कंधा से करना है, कंधा जो है शोल्डर को कहते हैं। सबसे पहले आपको कंधा का मेजरमेंट लेना है बैक साइड से। यहाँ पर हमारे जो दो हड्डी है वही है हमारा कंधा, आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका छाती। छाती जो है चेस्ट को कहते हैं, इसे बस्ट भी कहते हैं। इसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे ये जो है आपका लोअर बस्ट होता है, नीचे वाला छाती, इसे आपको मेजरमेंट लेना है थर्ड में। इसके बाद फोर्थ में आ जाता है आपका कमर। ये कमर, कमर का मेजरमेंट लेते हैं, कमर जिसे कहते हैं वेस्ट कहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में याद रखना है कि ये जो है नीचे वाला जो छाती है वो और आपका जो कमर है उसमें जो डिस्टेंस जो है फोर इंच होना चाहिए, 4 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका जो प्रॉपर मेजरमेंट होगा। इसके बाद आपको करना है लंबाई। जो जगह से आप कंधा का मेजरमेंट लिया था शोल्डर का, वहां से आपको स्टार्ट करना है, करके आप जितना लंबा आपको कपड़ा चाहिए उतना लंबा आपको लेना पड़ेगा। लंबाई जो लेने से हमें याद रखिए, ये कमर, कमर से अगर आप नीचे लेता है तो इसे कहते हैं हिप, वो जो है नाभि का नीचे होता है। ये हमारा नाभि यहाँ, इससे नीचे वाले पात है वो भी हमारा कमर का ही पात है, इसे कहते हैं हिप। हिप जो है हिप और कमर में जो है आपका 3 इंचेस डिफरेंस होना चाहिए। 3 इंचेस डिफरेंस होता है, वो भी आपका लंबाई के ऊपर होता है। आपको जितना कपड़ा लंबा चाहिए उसका मुताबिक से आपका हिप का मेजरमेंट लेना चाहिए। आपको अगर लंबाई अगर इतना अधिक है, यहाँ तक मेजरमेंट 20 हो रहा है, तो आपका हिप जो क्या है, आपको यहाँ से हिप को वही जहाँ तक 20, यहाँ से लंबाई जितना 20 हो रहा था वहाँ में आपको आपका हिप का मेजरमेंट मिल जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर हिप से अगर और थोड़ा नीचे आपको लंबा चाहिए तो इसे कहते हैं लोअर हिप। तो आपको मेजरमेंट यहाँ से कंधा से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट आपको लेंथ जो है उतना लेना पड़ेगा। ये था आज का मेजरमेंट, बॉडी का मेजरमेंट। जितना भी फीमेल का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं इस तरह ही लेते हैं, जैसा मैं लेते हैं वैसे मैंने आप सबको बता दिया। अभी आप सबका काम है कि इसे नोट्स बनाना और इसे आप सीखें कि किस तरह मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले वैसे कि आप अपना बॉडी का मेजरमेंट लेकर ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरा अभी आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी मेजरमेंट लेने समय में कपड़ों के लिए जब आप बनाते हो तो उस समय बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद आपको कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना चाहिए वो मैं सिखाऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।